और यहाँ पे मेरा कोई एक पॉइंट है ए और मुझे यहाँ तक एंड डिस्टेंस तक मतलब ये हुआ मेरा डी वाला कंडीशन ओके okay? यहाँ तक मेरा डिस्प्लेसमेंट है और ये ओ से लेके एन तक का जो डिस्टेंस है वो है आर और ओ से लेके यम तक का डिस्टेंस जो है वो मेरा एक्स है ओके okay? यहाँ पे भी मैंने क्यू नॉट चार्जेस लिए है वो आपको कंसिडर करना है जो अभी हमने कंडीशंस की थी वही कंडीशंस है अगर मुझे इस चार्जेस को क्यू नॉट चार्जेस को यहाँ तक अगर पास करना है यहाँ तक लाना है तो मुझे एक एक्स्ट्रा का वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा ओके एक पॉइंट चार्ज ये मेरा पॉइंट चार्ज है ओके okay, हम लोगों को थ्री कंडीशन देखनी एक पॉइंट चार्ज डायपोल एंड एक थर्ड है सिस्टम ऑफ द चार्जेस सो पहली कंडीशन देख रहे हैं द चार्जेस वो प्लस क्यू इज लोकेटेड एट द पॉइंट ओ वी नीड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए एट द डिस्टेंस आर ओके okay, इनके बीच का ओ जीरो से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है आर द यूनिट पॉजिटिव चार्जेस इज ब्रिंगिंग द इनफाइनाइट एट द पी सो so, आप लोग यहाँ पे एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी चार्जेस ले सकते हो so, सो अभी हमारे पास फोर्सेस का क्या इक्वेशन होगा एफ इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पा एप्सुल नॉट क्यू बाय सॉरी आर के जगह पे यहाँ पे हमें एक्स कंसिडर करना है ओके एक्स स्क्वायर अभी तक हम आर स्क्वे लेते थे बट यहाँ पे अभी हमें एक्स है सिर्फ इतना ही कंडीशन है बाकी ये सेम डेरिवेशन डे सो मतलब जितना हम लोग वर्क डन कर रहे हैं अगर इस साइड में कोई वर्क परफॉर्म करे तो इस साइड मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही सो सेम एज वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू आर माइनस एफ डी एक्स ओके सो यहाँ पे एफ की वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे ये यह वाली पुट करनी है ऑलरेडी मैंने एफ का इक्वेशन निकाल के लिखा है क्वल टू इन्फिनिटी टू आर माइनस वन अपन पा एफ लॉन्ग नॉट इन टू क्यू बाय एक्स स्क्वेर और ये डी एक्स ओके ये वैल्यू मैंने यहाँ पे एफ की जगह पे फूट कर दिए ओके सो वर्टन इज इक्वल टू इन्फिनिटिव टू आर माइनस वन अपन फोर पा एफ सूलॉन्ग नॉट एंड Q ये मैंने कॉमन निकाल लिया फिर से इंटीग्रेशन लगाना है इंटीग्रेशन क्या लगेगा सॉरी यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन है वो मैं इस साइड लगूंगी क्योंकि ये मैंने कॉमन टर्म निकाली सो so, इंटीग्रेशन क्या टू R सो वन अपॉन एक्स स्क्स ओके सो इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया था सो so, क्या है एक्स एस टू दावर माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स एंस दावर माइनस टू प्लस वन एंड ये हुआ माइनस टू प्लस वन सो so, ये मतलब क्या माइनस वन और ये भी माइनस वन सो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ वन अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स मतलब माइनस का सेंगे सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे ये स्टेप कर रही हूँ वन अपॉन फोर पा एफ्सोलॉन्ग नॉट जो है वो कॉमन रहेगा इंटू क्यू माइनस वन अपॉन एक्स और लिमिट जो रहेगी आर एंड इन्फिनिटी सो आर एंड लिमिट क्या लगेगी मेरी फिर क्यू अपॉन फोर पाई एफ्सू लॉन्ग नॉट ये वन अपॉन आर एक लगेगी और वन अपॉन इन्फिनिटिव वन अपॉन इन्फीनिटिव क्या होती है ये टर्म मेरी जीरो होगी सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू बाय फोर पाई एफ्सू लॉन्ग नॉट इन टू वन अपॉन आर सो ये हुआ मेरा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही हुआ सो so, पोटेंशियल जो है वो हम वी से डिनोट करते हैं सो आई होप अभी तक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा सो so, आपकी टेक्स्ट बुक में एक ग्राफ भी दिया है सो so, हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं क्या ग्राफ है हमारा सो so, यहाँ पे ग्राफ देखो ये है पोटेंशियल का ग्राफ जो डॉटेड लाइन से दिया है और ये जो है वो ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ यहाँ पे जो है वो नीचे डिस्टेंस है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ग्राफ जो है मतलब v एंड e जो है वो डिक्रीज हो रहा है मतलब इंक्रीज इन r एंड v एंड e इज अ डिक्रीज ओके okay? सो so, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में डॉटेड लाइन वन अपॉन आर करके दिए एंड सॉलिड वाली लाइन वन अपॉन आर स्क्वेयर ओके okay? ये ऐसे बॉक्स में दिया है सो so, इसका मीनिंग ये होता है कि वलो, मतलब जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है वन अपॉन फोर फायन्ग नॉट क्यू बाय आर ओके okay? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वन अपॉन फोर पा एफ नॉट क्यू बाय आर स्क्वेयर सो so, हमारी इतनी टर्म तो कॉमन रहेगी ओके सेम एज यहाँ पे भी इतनी टर्म हमारी कॉमन रहेगी आर को छोड़ के ये इतनी टर्म हमारी कॉमन रहेगी सो यहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल टू वन अपॉन आर आएगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्क्वेयर इसलिए ये दोनों टर्म्स हमारी यहाँ पे मिलती है कि डिक्रीज वाली कंडीशन होती है सो आई होप ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल्स विद डिस्टेंस का ग्राफ आपको क्लियर हुआ होगा सो ग्राफ भी आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा सो so, ये वाली कंडीशन हुई हमारी ए वाली अभी चलते हैं बी वाली कंडीशन की ओर सो so, अभी नेक्स्ट वाली सेकंड बी वाली कंडीशन है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल 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 डाई का मीनिंग क्या होता है टू और पोल मतलब एक चार्जेस समझ लो सो so, यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज निकाला है अगर डायपोल लेना है तो हमें सेम सेम चार्जेस नहीं लेने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रहेंगे सो so, यहाँ पे मेरा एक निगेटिव चार्जेस रहेगा ओके okay. सो so, ये पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाद मैंने एक कुछ डिस्टेंस के ऊपर सी पॉइंट लिया इसको भी मैं नाम देती हूँ ये बी कंडीशन है मेरी और ये है ए पॉइंट और यहाँ पे मैंने एक सी पॉइंट निकाला तो सी पॉइंट को मैं यहाँ से अटैच कर रही हूँ मतलब ये मेरा डिस्टेंस हुआ आर वन ओके ये मेरा डिस्टेंस हुआ आर वन और यहाँ से मैं यहाँ तक का so, अभी देखू यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव क्यू लिया है एक निगेटिव क्यू लिया है यहाँ पे एक सी पॉइंट लिया है ओके सो so, यहाँ पे जो है वो एक मुझे एंगल थीटा मिलेगा सो so ये इंक्लाइन एंगल हुआ अगर ये एंगल मेरा थीटा रहता है तो ये भी एंगल मेरा थीटा ही रहेगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है एल ओके ये भी इस साइड का एल है मतलब डाईपोल का डिस्टेंस कितना हुआ टू एल हुआ ओके इतना कंसिडर करना है हमें अभी देखो यहाँ पे ये C से लेके A तक का जो डिस्टेंस है वो R1 है और C से लेके B तक का डिस्टेंस मेरा R2 है और C से लेके मैं यहाँ पे इसको नाम दे रही हूँ O O तक का डिस्टेंस जो रहेगा मेरा R रहेगा ओके अभी इतना समझ गया ये R R1 R2 सिर्फ डिस्टेंस दिए है मैंने ओके अभी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ओके ये ऑलरेडी की है और यहाँ पे देखो ये थीटा का थीटा का साइड वाला कंपोनेंट क्या बनेगा हमेशा पता है हम लोगों को कॉस बनता है सो so, मैं ये एंगल यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ ये एक ट्रैंगल हमारा यहाँ पे बना है ये एंगल है मेरा थीटा और ये जो डिस्टेंस है मेरा एल है ओके okay, ये मैं इसको नाम देती हूँ और ये क्यू है ओके okay? तो ये दोनों भी इंक्लाइन एंगल है इसलिए मैंने थीटा से डिनोट किए सो so, अभी मैंने सेपरेट सेपरेट यहाँ पे निकाले हैं सो so, ये थीटा एंगल हुआ यहाँ पे देखो थीटा के अपोज मतलब साइड में साइड वाला जो एंगल रहता है वो कौन सा रहता है हमारा कॉस थीटा सो so, उसके आगे वाला अपोजिट वाला कौन सा रहेगा साइन थीटा अभी हम लोग कंपोनेंट किसके निकाल रहे हैं एल के इसलिए मैंने यहाँ पे एल निकाल तो ये मेरा कंपोनेंट हुआ एल साइन थीटा और ये वाला हुआ एल कॉस थीटा सेम है यहाँ पे ये लाइन एल कॉस थीटा है तो ये भी मेरी क्या होगी एल साइन थीटा और ये वाली होगी मेरी एल कॉस थीटा ओके इतना समझ गया अभी इसका इसका आई थिंक ये मैं इरेज कर देती हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझने के लिए मैंने ड्रॉ किया था सो so, अभी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सिर्फ हम लोगों को ये ट्रायंगल लेना है ए पी ओ एंड ये क्या है पी बी क्यू वाला ओके okay? सो so, दोनों भी एंगल का हम लोगों को यहाँ पे मतलब सी पर हम लोगों को क्या पोटेंशियल लगेगा वो हमें फाइंड करना है सो so, अभी देखो यहाँ पे हम आर मतलब एक डिस्टेंस निकाला है दो कंसिडर एन इन फिगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ए एंड बी सो ऑलरेडी ए एंड बी पॉइंट लिया है लिए हैं उनके बीच का सेपरेटेड है एल एंड एल मतलब दोनों का भी डिस्टेंस जो है वो ट्वेल्व है सो so एक लेट सी हमने एक पॉइंट किया है नियर इलेक्ट्रिक डाइपो से डिस्टेंस निकाला है ये बीच वाला डिस्टेंस जो रहेगा इसका आर रहेगा ये आर वन निकाला है सी से लेके ए तक का डिस्टेंस सी से लेके बी तक का जो डिस्टेंस रहेगा आर टू रहेगा अभी देखो पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ सी एक पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा सी पोटेंशियल क्या रहेगा क्या होगा वी वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पा एफ नॉट क्यू बाय आर वन ये इक्वेशन वन बन गया ओके ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू के लिए निकाला सेम एज निगेटिव के लिए सो वी टू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पा एफ नॉट क्यू बाय आर टू ये इक्वेशन नंबर टू अभी यहाँ पे मैंने निगेटिव साइन दिया है सो so, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था अगर हम पोटेंशियल अगर पॉजिटिव ले रहे हैं सॉरी चार्ज अगर पॉजिटिव है तो हमारा पोटेंशियल भी पॉजिटिव रहेगा चार्ज अगर हम निगेटिव ले रहे तो पोटेंशियल भी हमारा निगेटिव होगा इसलिए मैंने यहाँ पे निगेटिव साइन लिया सो so, चलो यहाँ पे वी वन वी सी निकालते हैं मतलब वी सी मतलब एक सी पॉइंट के लिए हमारा पोटेंशियल निकालते हैं सो so, ये क्या होगा वी वन प्लस वी टू इसको दोनों के भी मैं कैलकुलेट करूंगी सो so, ये क्या होगा वी सी इज इक्वल टू वी वन क्या हैंग नॉट क्यू बाय आर वन ओके माइनस साइन दे रही हूँ ये प्लस वाला पहला साइन है और उसके बाद माइनस वन अपॉन फोर बाय एप्सुलोंग नॉट क्यू बाय आर टू ओके इतना कंडीशन हो गया सो वीसी इज इक्वल टू इसको

तक का डिस्टेंस टोटल मेरा डिस्टेंस क्या है आर डिस्टेंस है ओके और मेरा पी से लेके ओ तक का ये पी मेरा पॉइंट है और ओ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या है एल कॉस थीटा है ओके अगर मुझे ये सी और पी तक का डिस्टेंस निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगी मतलब आर वन इज इक्वल टू आर माइनस एल कॉस थीटा समझा ये आर माइनस एल थीटा सो अगेन आई विल रिपीट सो so, ये सी से लेके ओ तक का टोटल डिस्टेंस है मेरा आर ओके okay? अभी ये पी से लेके ओ तक का डिस्टेंस है एलकोस्टिटा अगर मुझे ये डिस्टेंस निकालना रहा आर का ओके okay? ये टोटल जो आर का डिस्टेंस है वो निकालना रहा तो मैं क्या करूंगी ये टोटल डिस्टेंस में मतलब ये टोटल मेरा डिस्टेंस है उसमें से इतना पार्ट माइनस कर दूंगी मतलब ये की हुई मेरी आर वन वाली कंडीशन सेम एज आर टू के लिए क्या लिखूंगी मैं य सॉरी आर आर प्लस एल कॉस थीटा अभी ये प्लस क्यों लिया क्योंकि टोटल हमारा डिस्टेंस क्या है यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा है सी से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा आर है बट मैं इतना डिस्टेंस भी तो उसमें ऐड कर रही लूँ ना ये जो डिस्टेंस दिख रहा है तो ये मेरा क्या है एल कॉस थीटा है तो ये मैं ऐड करूँगी मतलब ये पॉजिटिव होगा मतलब ये आर वन एंड आर टू की वैल्यू मुझे मिल गई चलो सबूट करते हैं अभी आर वन एंड आर टू की वैल्यू सो अभी देखो मैंने r1 एंड r2 की वैल्यू दोनों भी पुट कर दी ये मेरा r है r l कॉस थीटा एंड r l कॉस थीटा ओके सो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, सो ये q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जैसे वैसे रख दिया अभी क्या करूंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये क्या होगा r cos l cos थीटा और ये क्या होगा -r minus -r एल कॉस थीटा ओके इतना समझ गया अभी मैं क्या कर रही हूँ ये आर माइनस एल कॉस थीटा जैसे वैसे रख रही हूँ और ये वाली भी टर्म आर प्लस एल कॉस थीटा ओके ये वाली भी टर्म जैसे वैसे रखती अभी देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी सी इज इक्वल टू क्यू बाय फोर पायरोंग नॉट जैसे वैसे रख दिया यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है एक माइनस वाली एक प्लस वाली सो so, हमारे पास एक फॉर्मूला है ए माइनस बी और ए प्लस बी तो इसका क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर ओके ये फॉर्मूला है तो ये आपको वही दिख रहा है सो मैं इसके जगह पे नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्स स्क्वायेर ठीठा ओके ये इसके जगह पे मैंने ये फॉर्मूला लगा लिया अभी देखो सेकेंड वाली कंडीशन ऊपर क्या दिख रहा है ये भी पॉजिटिव आर ये नेगेटिव आर ये दोनों भी कट आउट हो गए अभी देखो ये कैलकुलेट करते वक्त क्या करूंगी ये L cos और एक L cos तो ये क्या होगा टू एल एल कॉस्ट सीटा अभी देखो वी सी इज इक्वल टू क्यू बाय फोर पा एफ सोलॉंग नॉट इन टू ये टू एल एंड क्यू है देखो मैं फिर से लिख रही हूँ ये टर्म टू एल कॉस्ट और ये जो कंडीशन रहेगी आर स्क स्क्र कॉस्ट स्क्र थीटा सो so, ये Q2L जो दिख रहा है आपको ओके क्यू एंड क्यू इंटू टूएल जो होता है वो हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल होता है सो हमने अलेवंथ में इसके बारे में पढ़ा है सो so, ये वी सी इज इक्वल टू पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय फोर फाइव एप्सुलर स्क्वेयर अभी देखो ये एल स्क् थीटा जो है वो इतना छोटा है कि हम लोगों को वो निगलेट करनी है मतलब ये जो टर्म है निगलेक्ट करनी है अगर मैंने बोल दिया ये जो मेरा सी तक मतलब ये अगर मेरा डिस्टेंस है ये अगर मेरा टेन मीटर तो है तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो मतलब मैंने अभी तो निकाला है आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम बड़ी निकाली बट इसका जो एंगल है वो इतना छोटा है मतलब ये वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर इतना एंगल है तो सेंटीमीटर मतलब कितना छोटा हुआ ना टेन मीटर से वन सेंटीमीटर कितना छोटा हुआ मतलब ये जो टर्म है हम लोगों को निगलेक्ट करनी है ओके okay? सो so, ये हमारा फाइनल वीसी मतलब एक सी पॉइंट के ऊपर हमारा पोटेंशियल क्या रहेगा पी कॉस थीटा 4 बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये हमारा फाइनल आंसर आएगा ओके सो अभी आपको वेक्टर फॉर्म भी बता देती हूँ, so, सो अभी देखो वेक्टर फॉर्म क्या होगा सो वीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट पी कॉस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अगर हमें इसका वेक्टर फॉर्म निकालना रहेगा तो वेक्टर फॉर्म निकालते तब मल्टीप्लाई आर बाय आर करना ओके वेक्टर फॉर्म निकालना है तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर जब हम क्रॉस प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कॉस वाली टर्म अगर साइन वाली टर्म जो है वो हम लोग निग्लेक्ट करते हैं तो मतलब ये क्या होगा वन अपॉन फोर पाई एफ सो लॉन्ग नॉट पी इंटू आर ओके okay, वेक्टर निकाल रहे हो क्योंकि डॉट है इसलिए और ये आर क्यूब ये हम क्रॉस क्यों? का डॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं अगर हम क्रॉस का डॉट में कन्वर्ट करते हैं तो ये कॉस वाली टर्म साइन वाली टर्म को हम लोग निग्लेक्ट करते हैं ये हुआ हमारा वैक्टर फॉर्म ओके ये वेक्टर फॉर्म अभी देखते हैं यूनिट वैक्टर अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो वी सी इज इक्वल टू वन अपॉइन फोर बाइ एफ लॉन्ग नॉट पी वेक्टर आर ओके अभी ये आर कैप एंड आर मतलब क्या हुआ मेरा ओनली आर क्या आर कैप इज इक्वल टू तो आर वेक्टर बाय आर ओके सो मैंने यहाँ पे क्या लिखना है सो वीसीवल टू वन अपॉइन फोर बायसू लॉन्ग नॉट वेक्टर ये r हो जाएगा और ये r स्क्वायर ओके okay? ये r स्क्वायर नहीं तो आप सोचोगे और ये r है तो ये r क्यूब ये r क्यूब नहीं होगा ये ऑलरेडी मैंने टर्म करके दिए सिर्फ इसके जगह पे हमें ये r पुट करना था ये निकला हमारा कौन सा यूनिट वेक्टर वाला ओके okay? अभी हम लोग केस वन एंड केस टू देखते हैं इसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में केस वन एंड केस टू है सो so, अगर मैंने ये ऑलरेडी डायग्राम निकाली थी ये एक मेरी कंडीशंस होती थी ओके okay? ये ऐसी कंडीशंस थी सो so, यहाँ पे मैंने अगर ये आर आर वन था ये आर टू था ये पी और ये यहाँ पे मुझे थीटा एंगल मिल रहा था सो so, ये थीटा एंगल जो है अगर मैंने केस वन की बात की तो केस वन में क्या है जो थीटा है वो हम जीरो लेंगे मतलब पॉजिटिव ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन थी ये निगेटिव सो so, पॉजिटिव मतलब टूअर्ड द पॉजिटिव अगर मैं थीटा को जीरो ले लूँ मतलब ये जो कंडीशन है मैं इसको ऐसे मतलब घुमा के यहाँ पे इस पॉइंट पर ला रही हूँ ओके तो ये मतलब क्या होगा थीटा एंगल क्या होगा मेरा जीरो होगा So, हम वो फॉर्मूला लगाते हैं मतलब ना वन अफ ऑन फोर बाय मतलब ये पी अपन आर स्क्र आएगा कौन से केस के लिए पॉजिटिव केस के लिए बट अगर निगेटिव केस के लिए थीटा इज इक्वल टू क्या लेना है वन एटी डिग्री ओके सो थीटा क्या होगा फिर हमारा यहाँ पे कॉस्ट की जगह पे मतलब ये वी -सी इक्वल वन फोर पी थीटा मतलब ये अगर मेरा एंगल ऐसा है तो वन एटी पर मैं यहाँ पे ऐसे 180 पर लाऊंगी ओके तो ये वन एटी पर मतलब रहेगा सो तो इसके लिए भी हमारा कॉस्ट सीटा जो रहेगा वो माइनस वन होता है सो तो माइनस वन अपॉन फोर बाईसोंग नॉट P बाय आर स्क्वेयर ये निगेटिव Q के लिए सो so, पॉजिटिव Q एंड निगेटिव Q दोनों के भी वैल्यू निकाल दी अभी चलते हैं केस टू मतलब ये मिनिमम एंड मैक्सिमम पोटेंशियल होगा हमारा सो मिनिमम एंड मैक्सिमम मतलब VC इज इक्वल टू प्लस माइनस वन अपर बाई एफ सो लॉन्ग नॉट पी बाय आर स्क्वेयर ये जो रहेगा हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल ओके सो मैक्सिमम पोटेंशियल ये हुआ मैक्सिमम पोटेंशियल अभी केस टू की बात करते हैं सो केस टू की बात करोगे तो पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल सो थीटा इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री सो नाइन्टी डिग्री मतलब अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है यहाँ पे निगेटिव क्यों है तो ये ऐसा एंगल मतलब यहाँ पे जो है नाइन्टी डिग्री का एंगल बनेगा ओके ये ऐसा वाला सो नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता है तो कॉस्ट नाइन्टी कितना होता है कॉस्ट नाइन्टी इज इक्वल टू जीरो होता है सो वी सी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ सो लॉन्ग नॉट पी इंटू जीरो बाय स्क्वायर सो वी सी क्या होगा हमारा जीरो होगा सो so, ये क्या होगा मिनिमम पोटेंशियल मिनिमम पोटेंशियल ओके सो यहाँ पे केस वन एंड केस टू मैंने सभी एक्सप्लेन कर दिया है अभी बचा है हमारा नेक्स्ट वाला थर्ड वाला सो थर्ड सी वाला भी अप्लीकेशन देख लेते हैं अभी थर्ड वाली कंडीशन है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस ओके सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब अगर मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया है P और यहाँ तक एक निकाला है मैंने पॉजिटिव चार्ज Q1 इसका डिस्टेंस है R1 ओके okay? दूसरा जो निकाला है चार्ज Q2 इसका डिस्टेंस है R2 तीसरा जो निकाला है चार्ज Q3 इसका डिस्टेंस है R3 थ्री अप टू एन नंबर तक मतलब यहाँ पे मैंने क्यू निकाला है तो आर ओके okay? यहाँ पे मेरे ये सिस्टीम चार्जेस है डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रहे ओके okay? तो इसके लिए मेरे पास चार्जेस क्या रहे मतलब Q1 के ऊपर R1 डिस्टेंस है Q2 के ऊपर R2

प्लस डैश 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 अप टू एन तक ओके यहाँ पे एन का मतलब स्टार्टिंग एंडिंग वाला क्या रहेगा वन अपॉन फोर पाव एफ सोलॉन्ग नॉट क्यू एन आर एन ओके ये आर एन है सो so, उसके बाद कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे देखो वन अपॉन मतलब वी पी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाव एफ सो लॉन्ग नोट जो है वो कॉमन निकलेगा सो ब्रैकेट में आएगा क्यू वन आर वन प्लस क्यू टू आर टू प्लस डैश 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 क्यू एन आर एन ओके, okay? so, पे क्यू मतलब हम लोग एक जो, जो, जोमेट्रिकली सफिशन लिख सकते हैं सो वन अफॉन फोर ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन क्यू आई एंड आर आई ये हुआ हमारा फाइनल आंसर ओके सो तीनों भी हमने कैलकुलेट कर लिए सो so, बाकी पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग